हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 10 मिनट में बनने वाली है और बहुत ही कम सामग्री में बनेगी। बहुत कम आपको सामान चाहिए और फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने एक बाउल दूध लिया है। ये आपको मेजरमेंट याद रखना है। जो बाउल से मैंने एक दूध लिया है उसका आधा मैंने कोकोनट लिया है बारीक किया हुआ और उतना ही आधा मैंने शक्कर लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया और ये मिल्क पाउडर है ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और मैंने दूध प्लेन लिया था जिसकी मैंने सुबह मलाई निकाल ली थी तो प्लेन दूध था, इसलिए मैंने एक चम्मच मलाई ले ली है और वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको हम पीस के ले आएंगे अच्छे से, सब मिक्स हो जाएगा इसमें। तो ये लिक्विड सबका अच्छे से मिक्स हो चुका है और लिक्विड बन चुका है। अभी मैं एक बाउल में थोड़ा सा ये निकाल लूँगी। ये इसमें मैंने निकाल लिया है, थोड़ा ही चाहिए। तो ये देखिए इतना मैंने निकाला है और अभी मैं इसको रखूँगी साइड में और वो बाउल को लाऊँगी। उसमें मैं डालूँगी ग्रीन फूड कलर। आप अपने मनपसंद का कलर डाल सकते हैं, रेड डालो, पिंक डालो, जो भी आपको पसंद हो, येलो, ऑरेंज। मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगा तो मैंने ग्रीन कलर डाल दिया इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अभी इसको हम रखेंगे साइड में और मैंने गैस ऑन किया है, उस पर मैंने पैन रख दिया एक। इसको गर्म होने के बाद इसको एकदम स्लो कर देना है और जो बाउल से मैंने दूध लिया था वही बाउल से मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप जाड़ी वाली को मिक्सर में पीस के यूज़ कर सकते हैं। और इसको सूजी को हम कोरी सेक रहे हैं तो इसको 6 से 7 मिनट अच्छे से सेकना है। थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा वैसा और अच्छी खुशबू भी आने लग जाती है। अभी जो हमने दूध का लिक्विड बना के रखा था, दूध मतलब वो लिक्विड ही होता है लेकिन उसको मैंने पीस के रखा था, वो इसमें डाल दिया है और अभी इसको मिक्स करेंगे। और वो जो बाउल में मैंने ग्रीन कलर मिक्स करके रखा था वो भी इसके साथ ही इसमें डाल देंगे ताकि सब में ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन कलर। अगर आप चाहें तो कोई कलर नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन बहुत अच्छा इसका लुक आएगा, इसके लिए मैंने ये डाला है ग्रीन कलर। तो इसको कर देंगे मिक्स और इसको भी अच्छे से सेकेंगे। ये जब तक हमको इसको सेकना है जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाए। तो ये देखिए अभी ये थोड़ा स्टिकी है और इसमें शाइन लाने के लिए एक चम्मच घी डाला है मैंने। आप चाहें तो जब भी आप कोरी सूजी हम सेक रहे थे ना तब भी आप घी में सूजी को सेक सकते हैं, लेकिन मैंने तभी नहीं डाला, अभी डाला है मैंने इसमें घी। और ये अभी अच्छे से कुक हो चुका है, पैन को छोड़ने लगा है। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी वेनिला एसेंस। मेरे पास वेनिला ही था तो वो मैंने डाला है। आपके पास जो भी एसेंस हो, केवड़ा हो, रोज़ हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप डालिए, नहीं तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और कुछ नहीं डालेंगे तो भी आपको ये मिठाई अच्छी ही लगेगी। तो ये देखिए ये एकदम डो के फॉर्म में आ चुका है और पैन को छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पे हमको इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में डाल देना है। तो अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ, ये देखिए। अभी इसको हम फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। हाँ, इसको इससे फैला देना है अच्छा ठंडा होने के लिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। तो ये मैंने इसको निकाल दिया है और इसमें चिपका है स्पैचुला में, उसको भी हमको निकाल देना है।
अभी मैं छोटी चम्मच से इसको फैला रही हूँ क्योंकि हाथ से नहीं छू सकते, बहुत गर्म था। अभी ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, जब हाथ में हम लेके ऐसे लोई बनाएंगे नहीं चिपकेगा, समझने का हो चुका है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा ले रही हूँ और उसका बाउल बना के उसमें मैं थोड़ा सा काजू के ड्राई फ्रूट में, सिर्फ काजू ही डाल रही हूँ उसमें, ड्राई फ्रूट बंद कर डाल के और इसका मुंह बंद करके इसको हम जो चाहे शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो कोई शेप नहीं दे तो भी आप इसको एक प्लेट में, हम जैसे ढोकले वगैरह रखते हैं ना, वैसा आप प्रेस करके जमा के कट करके भी बना सकते हैं। तो मैंने ये स्क्वायर शेप दिया है और नारियल के बुरादे से इनको कोटिंग किया है। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। और आपको मैं दूसरा भी बना के बता रही हूँ, इसमें भी मैं सेम काजू के टुकड़े रखूंगी बारीक किए हुए और इसको भी ऐसे ही बंद करके और वापस स्क्वायर शेप दूंगी इसका। थोड़े मैंने स्क्वायर शेप में बनाए हैं और थोड़े सर्कल में बनाए हैं, गोल बनाए हैं पेड़े जैसे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका मन करे कि झटपट कुछ मिठाई बनाना है, खाना है, तो ये आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है ये और टेस्टी भी बनती है, फटाफट बनने वाली है, कम सामग्री से बनने वाली है और समय भी कम लेती है। तो बहुत अच्छी मिठाई, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।